दीपावली के त्योहार की धूम तो पूरे देश में ही है, लेकिन रामनगरी अयोध्या की दिवाली देखने लायक होती है, जो लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठती है। वहीं इस साल राम मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद का दीपोत्सव तो और भी खास हो जाता है, जिसे दिव्य और भव्य बनाने के लिए अयोध्या नगरी में काफी समय से तैयारियां चल रही हैं। ये झलकियां राम मंदिर से आ रही हैं, जहां बाकी के हिस्से में तो निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जो हिस्सा पूरी तरह से तैयार है वहाँ फूलों और लड़ियों से खूबसूरत सजावट की गई है। वहीं मंदिर के द्वार की सजावट देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अयोध्या वासियों के लिए ये दीपोत्सव कितना खास होने वाला है। दीपोत्सव से पहले दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, सुनिए। भव्य तैयारी की गई है पूरे अयोध्या में दीपोत्सव के तौर पे। पूरे अयोध्या को दीप और रोशनी से सजावट, बहुत ही शानदार सजावट है, व्यवस्था एकदम उत्तम है। हम सुबह 7 बजे गए थे, 8 बजे हमारा दर्शन भी होके हम बाहर आ गए। सामने गेट जो बना है कैसा दिख रहा है? एकदम भव्याती भव्य गेट है। अंदर गेट से लेके अंदर मंदिर तक का पूरा नजारा एकदम ही शानदार डेकोरेट किया गया है। राम की जन्मभूमि में आज का दीपोत्सव का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा रहा, दर्शन भी बहुत बढ़िया रहा और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे रहे। जय श्री राम। सामने जो गेट दिख रहा है इसमें कैसा नजारा दिख रहा है, क्या क्या चीजें इसमें दिखी आपको? पूरा गेट है वो नेचुरल फ्लावर से सजाया गया है, उसमें श्री राम का हम लोगों को अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छा डेकोरेशन लग रहा है। आपको बता दें कि दीपोत्सव की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आज शाम सूर्यास्त के बाद 25 लाख दीयों की रोशनी से अयोध्या रोशन हो उठेगा, जिसका हिस्सा बनने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचने वाले हैं। वहीं इससे पहले सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह अयोध्या पहुंचे हैं।